आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, और तेरे कंधे का जो तिल है, मम्मी देख रहे हो क्या? तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, आपका बेटा रोमांटिक गाने गा रहा है। देख रही हूँ। तो क्या, तो तेरी बहन हूँ मैं, सब जानती हूँ क्या चल रहा है। तू तेरा देख क्या चल रहा है, किसके किसके कॉल आते हैं तुझे अननोन नंबर के। चुप कर, हो गई शुरू, नहीं सुधरेंगे ये दोनों। जली ना, अब जली ना तेरी, कैसा लग रहा है दूसरों को ऐसा बोलती है तू? मेरा तो कुछ नहीं चल रहा, सबको पता है। क्यों मम्मी? मुझे कुछ नहीं पता तेरा। देखो देखो देखो, आपके बेटे को देखो, रोमांटिक गाने गा रहा है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, चुप कर कल मुइया, चुप कर, नहीं तो मोड़ दूंगी तेरी कलाइया। बंद करो ये लड़ाई, तंग आ गई हूं मैं तुम दोनों की लड़ाई से। मन करता है कहीं भाग जाओ। सब मुझे ही समझाओ, जा रहा हूं मैं, आऊंगा थोड़ी देर बाद। कहाँ जा रहे हैं? रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं घर में। जल्दी आ श्रेया, मोबाइल रख। थोड़ी देर मम्मी, बस 1 मिनट के 1 घंटा लगाती है उसके ऊपर। आप भी तो मौसी का फोन आने पे कहती हूँ 2 मिनट बस, और 2 घंटे बाद भी। हेलो जी, कौन चाहिए? प्रसाद जी घर पे है? प्रसाद जी, प्रसाद पंडित जी यहीं पे रहते हैं ना? हाँ हाँ यहीं पे रहता है। क्यों, आप उनकी मम्मी जी हो? हाँ मैं उसकी माँ। पेड़ लागो आंटी जी। अब भाई रहने दो रहने दो, क्या कर रही हो? काम है, अंदर आके बताऊँ? पहले काम बताती फिर अंदर आती। पहले अंदर आती हूँ फिर बताती हूँ। आओ बैठो ना, बैठो। क्या काम है प्रसाद के पास? मैं प्रसाद जी की दोस्त। उसको जी क्यों बोल रही हो? मैं सबसे बहुत रिस्पेक्ट से बात करती हूँ जी। वो घर पे है? अभी वो घर पे नहीं है बेटा, बाहर गया है। ठीक है कोई बात नहीं, जब तक वो आएंगे तब तक मैं उनका वेट करती हूँ। ठीक है, तो मेरी जैसी मर्जी है। चाय नाश्ता कुछ लोगी? नहीं कोई जरूरत नहीं है, पूछने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन आया है बाऊ? आप प्रसाद जी की दादी हो? कौन है? प्रसाद की दोस्त आई है। अच्छा, क्या काम है बेटा? मैं प्रसाद जी से मिलने आई हूँ। वो घर पे नहीं है? मैंने आपको एक गिफ्ट लाया है। मेरे लिए गिफ्ट? पहले तो मैं आपके पैर पड़ती हूँ, और ये लीजिए आपका गिफ्ट। कितनी प्यारी हो, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम प्राची है। आज से मैं तुम्हें बुलाऊंगी प्यारी प्राची। कैसा लगा? मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। बैठो ना बैठो, वो आता ही होगा। कौन आया मम्मी? प्रसाद जी की दोस्त। वो कब से जी बन गया? नाम क्या है तेरा? मेरा नाम प्राची। छी क्या? प्राची काफी अच्छा नाम है। आप श्रेया जी हो ना, प्रसाद जी की बहन? हाँ बदकिस्मती से उसकी बहन हूँ। श्रेया, प्रसाद जी आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। अच्छा क्या बोलते हैं? हमेशा बोलते रहते हैं, दीदी का सब बहुत लाड़ करते हैं, सब लोग दीदी के ही आगे पीछे करते हैं, और अब तो दीदी को बार बार किसी का अननोन नंबर आ रहा है, और शायद उनको ऐसा लगता है कि आपका लफड़ा चल रहा है। मम्मी देखो, इसने ये बात कहाँ तक फैला दी। आने दो उसको, देखती हूँ मैं। मेरा कुछ नहीं है वैसा, वो कुछ भी बोल रहे हैं, आने दो उसको घर। बदनाम कर दिया मुझे सारी जगह पे। वैसे तू इतनी देर से यहाँ पे क्यों बैठी है? मुझे प्रसाद जी से मिलना है। मम्मी आया नहीं क्या वो अभी तक घर? नहीं आया वो अभी तक। ए वो नहीं आएगा घर, तुम चले जाओ। कोई बात नहीं, मैं 2-3 घंटे बैठूंगी यहाँ पे। बेटा तुम चले जाओ घर, जब वो आएगा तब मैं तुमको कॉल करूंगी, ठीक है? तब आना, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। मैंने मम्मी पापा को पहले ही बता दिया है, मुझे देर होगी। मम्मी मैं चलती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बाकियों की तरह। वैसे मम्मी क्या करती है?
मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा इंस्पेक्टर। अगो पे मैं आती हूँ। हाँ, पानी वगैरह कुछ नहीं चाहिए ना? आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। नहीं नहीं, वो मोबाइल हाथ से छूट गई नहीं है ना। मम्मी आप मेरा मोबाइल छोड़ो और उस लड़के का कुछ देखो, कितनी देर से बैठी है वो। मुझे भी नहीं समझ आ रहा क्या करूं। दोस्त दोस्त बोल रही है, दोस्त ऐसे होते? मैं भी विकास की दोस्त हूँ तो उसके घर पे जाके ऐसे बैठती हूँ। सर शिवेन कहा तुझे घर में लेती है, पर इसको कैसे भगाऊं मैं। मैं तो कहती हूँ पापा को फोन करो और सब बता दो प्रसाद के बारे में, अच्छे से खबर लेंगे उसकी। नहीं नहीं, तेरे पापा को बताऊंगी तो बहुत बड़ा बवाल कर देंगे वो, प्रसाद तो आज रात भर मार खाएगा। लगता है आ गया वो। आहा, अब मजा आएगा, पूरा बदला लूंगी मैं। आइए महाशय, आप ही का इंतजार था। क्या बात है, अंदर तो आप बताती हूँ। प्राची नाम की कोई लड़की आई है। हाँ आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कौन है वो, कितनी देर से बैठी है घर में, क्या है तेरा चक्कर? ए बंद कर अपना मुंह। श्रेया अपना मुंह बंद कर, मैं बात कर रही हूँ। कौन है वो? प्राची जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। प्राची जी? प्राची जी? प्राची जी? हेलो प्रसाद जी, क्या आप मुझे एक बार बोल देती आने वाली हो, मैं बाहर नहीं जाता। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, वो मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी जी। क्या जी? उस दिन आप स्कूल में गलती से एक चीज भूल गए, ये आपका पेन आपने मुझे दिया था लिखने के लिए और बाद में वापस लेना ही भूल गए। ओ तेरी, थैंक यू। एक पेन देने के लिए तुम यहाँ पे 4 घंटे रुकी? हाँ, मेरे पास भी दे सकती थी बेटा। मैं बहुत ईमानदार हूँ, जब तक जिसकी चीज उस तक पहुँच नहीं जाती मेरे दिल को ठंडक नहीं पड़ती। अच्छा प्रसाद जी मैं आती हूँ, बाय आंटी जी। ठीक है प्राची जी, फिर से आना। हाँ श्रेया जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ए है, क्या कर रही हो? देख कितनी संस्कारी है वो। आंटी जी बस बस बस, क्या जरूरत है पैर पड़ने की बार बार? शर्मिला कौन ही है? पैर लागू जी। रहने दो बेटा, पैर पड़ने की क्या जरूरत है? ये प्रसाद की दोस्त है बेटा, घर तक क्या काम है? पर पेन देने के लिए आई थी, स्कूल में इसका गिर गया था। अच्छा बाय प्रसाद जी। बाय। कुछ ज्यादा ही संस्कारी है, पर ऐसी लड़कियां आजकल मिलती नहीं। हाँ वो बात तो है, बड़ी संस्कारी है। मुझे तो ये सर्वगुण संपन्न लग रही है, मुझे तो ये सर्वगुण संपन्न लग रही है। मम्मी ये रही आपकी बहू। मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं। चौमिला हाँ, कहाँ को गई थी? कुछ नहीं कुछ नहीं।